मेंढकों का एक समूह जंगल से गुजर रहा था और अचानक उसमें से दो गहरे गड्ढे में गिर गए। जब दूसरे मेंढकों ने देखा कि गड्ढे कितने गहरे हैं, तो उन्होंने मेंढकों से कहा कि उनके लिए अब कोई उम्मीद नहीं बची है। दोनों मेंढकों ने अपने साथियों को अनदेखा किया और गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। हालांकि उनके प्रयास के बावजूद गड्ढे के बाहर खड़ा मेंढकों का समूह अभी भी यही कह रहा था कि उन्हें अब प्रयास करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वे इससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। आखिरकार मेंढकों में से एक ने इस बात पर ध्यान दिया कि दूसरे क्या कह रहे थे और उसने कोशिश करना छोड़ दिया। दूसरा मेंढक अब भी उतनी ही कोशिश कर रहा था जितनी की वो कर सकता था। एक बार फिर मेंढकों के समूह ने उस पर चिल्लाया और कहा, तुम क्यों दर्द सहन कर रहे हो? तुम इस गड्ढे से नहीं निकल सकते, चुपचाप अपनी मृत्यु का इंतजार करो। उसने उन्हें न सिर्फ नजरअंदाज किया बल्कि और भी ज्यादा कोशिश करने लगा और अंततः उस गड्ढे में से बाहर आ गया। परमेश्वर का वचन कहता है, हियाव बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है।